होशियार चंद जी, मैंने तो राजू को माफ कर दिया, अब आप भी कर दीजिए। इसको इसको तो मैं 17 जन्म में माफ नहीं करूंगा। पिताजी आप ये क्या, क्या मार खाएगी नहीं तो? आपने मेरा बंगला देखकर अपनी बेटी से दी थी ना, फिर आज से वो बंगला इसका इसका। अरे नहीं, मेरे को ये मिल गई ना, मेरे को बंगला बिंगला नहीं मांगता माई बाप। ए, ले ले। मेरे बेटे ने तो मेरी जान लेने की कोशिश की, इसने मेरी जान बचाई, आज से यही मेरा बेटा है। वो तो ठीक है, लेकिन इसने मेरे साथ डबल चीटिंग की है? मेरी दूसरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मार खाएगा? बाबू जी मुझे माफ कर दो, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ पिताजी, ये ठीक कह रहा है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों? हाँ। ये कहानी कभी स्टार्ट हुई थी? तुम्हारे जैसे लोगों का यही अंजाम होता है। तुम्हें ऐसे करोड़पति दामाद चाहिए थे जिनकी कम से कम 3,000 एकड़ जमीन हो, जिनके घर में भिखारी भी आए तो गाड़ी में बैठकर आए, और जिनके गांव में इतने लोग ना हो जितने उनके घर में नौकर हो। आए? ये बात तो मैंने एक दिन शादीराम घरजोड़े से बोली थी, तुमको कैसे मालूम पड़ी? मैं ही हूँ शादीराम घरजोड़े। तुम? नहीं यार, ये तीसरा झटका है। कैसा लगा? एक कुली और दूसरा मैकेनिक। दरअसल शादीराम क्या है, मैं बेटियों के प्यार में ना उनका घर जो है वो दौलत की ईंटों से बनाना चाहता था, मगर आज मुझे पता चला कि घर जो है वो दौलत से नहीं प्यार की ईंटों से बनता है। कोई बात नहीं, आज मैं हार गया और प्यार जीत गया। ए दरन, ये चलना क्या हंसता रहता है यार। दीदाजी 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 दीदाजी, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिससे सुनकर आसमान टूट जाएगा, आपका सीना फट जाएगा, ये जमीन हिल पड़ेगी। ये तुवल नहीं है, ये तुली है। ये पिटेगा। क्या जल्दी खबर लाए, इधर आ तो।